उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध गायक गोपाल बाबू गोस्वामी के बेटे रमेश बाबू गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और ये आज इस मुकाम में हैं। जहाँ भी ये जाते हैं दर्शकों की भीड़ काफ़ी संख्या में मौजूद रहती है। हमारे साथ मौजूद हैं रमेश बाबू गोस्वामी। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 लोकल में। धन्यवाद, मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ न्यूज़ 18 लोकल में आप सभी लोगों का, दर्शकों का। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी मित्रों बंधुओं का और आप लोगों मीडिया प्रभारियों के जो कलाकारों के प्रति जो स्नेह रहता है और कलाकारों को जो आप प्रोत्साहन देते हैं उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। किस तरह से देखते हैं जैसे पिताजी ने पूरे उत्तराखंड में अपना नाम कमाया और उनको आज एक लोक गायक और इतने बड़े उससे जानते हैं, किस तरह से देखते हैं आप उनके एक तो गीत आप और जो उनके गीत आप अभी बढ़ा रहे हैं उनके बारे में एक लाइन गीत की? ज़रूर, मैं पिताजी का जैसे हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी, दो लाइन। हाय तेरी रुमाला यो गुलाबी मुखड़ी हाय के भले छजीरे नाख के नथुने हाय तेरी रुमाला। जैसे पिताजी का गाना है तो इनको आपने किस तरह से मिक्सअप करके कैसे करा है जरा उसके बारे में? देखो, सबसे पहली बात तो पिताजी के हर गीतों को तो मैं प्यार स्नेह सम्मान देता हूँ, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और मैंने कि पिताजी की जैसे गोपुली चाय खाना बंग्या वो बहुत स्लो था, वो इस तरह से गोपुली चाय खाना बंग्या ले ले रो मेरी गोपू, थोड़ा सा मैंने इसको नया दिया, हे गोपुली आए गाड़ो भायो आए गाड़ो भायो सटनिया सायो भिड़ पाचे कायो यो चोर कुछ को भू में जानी नहीं पायो गोपुली सबसे 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 जेड बा गोपुली चाय खाना बंगिया ले ले रो मेरे को भूलना बिसी ना होड़ा। इसमें मैंने हिमाचल जो मेरा नरियाल है जहाँ किन्नौर में, तो उन शब्दों को भी मैंने लिया सबसे जेड बा मतलब बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यानी कि आप देख रहे हैं जैसे आपने जो लोग जो आप पीढ़ी के जो बच्चे हैं और जो पुराने लोग हैं उन लोगों को किस तरह से देखते हैं, कैसे वो पुराने गीतों को सुनना चाहते हैं या नए गीतों को सुनना चाहते हैं? देखिए, मैं इस माध्यम से ये कहूँगा, देखिए आप कभी भी आप लगा के चलिए कहीं भी प्रोग्राम दे, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी बेड़ुपा को बारू मासा, आज भी आज के युवा उन्हीं गीतों को सुनते और थिरकते हैं, तोड़ मरोड़ के उन्हीं गीतों को आज लोग युवा गा रहे हैं और उन्हीं गीतों पर थिरक रहे हैं। और जो डीजे संबंधित जो गीत होते हैं सिर्फ चंद दिनों के चंद के लिए होते हैं, एक घंटा आधा घंटा, अगर आप देखो जैसे पे बहुत शोरगुल हो रहा है कुछ देर के बाद वो व्यक्ति खुद ही कहता है बंद करो कुछ पुराने गीत सुनाओ, तो वहाँ पे हाई तिर रुमाला बेड़ुपा को बारू मासा कैला बजे मुरली या कहीं कोई भी और भी सिंगर जो हमारे उत्तराखंड के उनके गीतों को सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर वाकई में बात करें अपनी संस्कृति जो है शालीनता में जो एक संगीत जो सुनने में जो आज के युवाओं को पसंद आता है वो आज भी है। मैं कहता हूँ जब 16 साल का लड़का होता है वो हनी सिंह को पसंद करता है, जब वो 22 साल की उम्र में आता है मोहम्मद रफी किशोर कुमार जी को पसंद करता है, क्योंकि एक नेचर वाइज होता है। वैसे ही आज लगा हमारे अगर आज के यूथ को पसंद करता है, जैसे थोड़ा सा उन चीज़ों को समझना शुरू करता है तो वो गोपाल बाबू गोस्वामी जी हो या नरेंद्र सिंह नेगी जी हो या चंद सिंह राही जी हो या हीरा सिंह राणा जी हो उनके गीतों को सुनते पसंद करता है। क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी है वो पुरानी लोकगीत या अन्य गीतों को सुनना पसंद नहीं करती है, तो आपका क्या मानना है कि ऐसे कलाकार हमारे बीच में कम है या युवा पीढ़ी उनको नहीं सुनना चाहती? देखिए, मैं ये कहूँगा जिस जमाने में जैसे जब गोपाल बाबू गोस्वामी जी या पहले थे उस समय ये यूट्यूब या ऐसी मीडिया के कोई मतलब साधन नहीं थे, जिससे क्या है जो उनके चाहने वाले हैं, आज कई लोगों के पास फोन नहीं है, अब जो आज के युवा हैं वो उनको उन गीतों को सुनाने के लिए मौका नहीं मिलता क्योंकि वो अपने इन गीतों में मस्त हैं। पर कहीं ना कहीं वो आज के युवा हमारे इन पुराने गीतों को भी सुनते हैं, जैसे मैं अभी गोपुली लेके आया कुछ नया करके लाया तो लोगों ने पसंद भी किया और उन चीज़ों को जैसे गोपुली आए गाड़ो बायो सटनिया सायो इन शब्दों में अगर आदमी कहे है क्या, मुझे कई लोग बोलते हैं गोस्वामी जी आज आप इस गीत को गाते हो इसका अर्थ ही बताया, गोपुली कबे इथा कने होता गोपुली आए गाड़ो बायो सटनिया सायो मतलब जैसे धीरे से मेरे से हाथों से फिसल गया भिड़ पाच गए जैसे आप दीवारों पे जो काई जम जाती है, तो मैं इन गीतों का मेरे गीतों में आप जब भी सुनेंगे तो मैं पुरानी चीज़ों को लाता हूँ जिससे लोग मुझे जिज्ञासाएं जा गया है क्या ये शब्द करके, तो पुरानी परंपराएं भी जीवित रहे। आगे अब क्या करने वाला है क्योंकि आपने काफ़ी लंबा समय बिताया है उत्तराखंड इंडस्ट्री में, किस तरह से देखते हैं कि आगे जो युवा हैं उनको आप प्रेरित करेंगे कैसे उनको मतलब कैसे उसमें करेंगे? देखिए, मैं अपने गीतों में अभी एक
मतलब मैं अपने गीतों को एक ऐसा गीत लेके आ रहा हूँ जिसमें लड़के जब उस गीत को सुनेंगे तो मैं कहता हूँ कि कम से कम उन्हें बहुत उस चीज़ का उत्तराखंड के हर चीज़ों का ज्ञान भी होगा। कुछ ऐसे गीत भी ला रहा हूँ, कुछ यूथ के लिए मैं उनके लिए डांसिंग सॉन्ग भी ला रहा हूँ, कुछ मैं ऐसा ला रहा हूँ जो कि होता है आदमी आजकल के युवाओं के लिए गाना ला रहा हूँ कि जैसे घर से उनको पैसा मिलता है कि और माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं पैसों को अलग जगह गलत जगह खर्च कर देते हैं, तो उस ऐसे गीत जिससे उनको लास्ट में उसका निचोड़ मिलेगा कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, ऐसे गीतों को, और जिसमें थिरकेंगे भी वो कुछ नयापन मैं लेके आ रहा हूँ, जैसे नशा पे भी मैं लेके आ रहा हूँ जिसमें लोग उसको सुनेंगे पसंद भी करेंगे और उससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। ये मेरा यानी कि उत्तराखंड के जो नशा जो बढ़ रहा है उसके लिए पर भी गाने उसमें भी मेरे गीत आ रहे हैं। पलायन पे भी मैंने कई गीत गाने गाए थे, लौटी आ रहे तो अपड़ियों पहाड़ करके, मुझे याद है एक व्यक्ति थे वो लखनऊ में जॉब करते थे, वो उन्होंने उस गाने को सुनकर जॉब छोड़ने को तैयार हो गए कि मैं घर आना चाहता हूँ। लौटी आ रहे तो अपने पहाड़, तो वो गाना वाकई में अभी जब कोरोना काल जब चला था तो वाकई में सभी लोग ने उस गाने को समझा और फील किया, वाकई में पहाड़ आना चाहिए हम लोगों को। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपको समय दिया। धन्यवाद, मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आपका, आपके न्यूज़ चैनल का, इसी तरह आप लोग का प्यार स्नेह सपोर्ट हम लोगों को मिलता रहे। लगातार उत्तराखंड के गीतों और उत्तराखंड के गीतों को बढ़ाने के काम कर रहे हैं, साथ ही पलायन और नशे के ऊपर ये जल्द ही गीत लेकर आने वाले हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।